फ्रेंड वेलकम टू माय होम एंड नेचर व्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। और आज है होली के 8 दिन पूरे हुए। हम लोग क्या इसको 8वां बोलते हैं। तो आज हमने सुबह 8वां के लिए जो चीज़ें बनाई वो मैं शेयर कर रही हूँ। आप देखिएगा व्लॉग में, पूरा व्लॉग देखिएगा और कैसे हैं, मतलब हमने क्या बनाया, कैसे करी और पूजा कैसे करी। तो बस ऐसे ही मैं आज किचन से बोल रही हूँ। देखिए किचन मेरे पीछे दिख रहा है, शाम के समय बज रहे हैं, 5 बजे हुए हैं और अब हम चल रहे हैं थोड़ा सा ऊपर। मैंने पानी यहाँ ऑन किया है तो मुझे लग रहा है कि ऊपर खुला हुआ है। और आपको दिखाती हूँ, घर में भी मतलब कोई है नहीं, सब बाहर गए हुए हैं, हम ही हैं। तो हम ही को देखना है सारे काम। और जैसा कि आप जानते हैं कि बेटी की तो शादी हो गई है, तो वो अपने ससुराल में हैं आजकल, और अब हम ही को देखना पड़ रहा है। और बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा सामान और ख़रीदारी करने बाहर गए हैं। तो ये हमने पूजा बना रहे हैं आज, और आज है 8वां पूजा। हम लोग यहाँ 8वां बोला जाता होगी कि 8 दिन के शीतला माता का पूजा। तो उसके लिए मीठे गुलगुले बन रहे हैं, जिसके लिए ये आटा जो सिंपल रोटी वाला होता है उसमें चीनी डाल के घोल बना लिया जाता है और फिर उसका ही गुलगुले बनाए जाते हैं। और इधर मैंने जस्ट तैयारी कर रखी है खीर बनाने की, तो मैंने चीनी ले ली है और उसमें हमने चावल को लौंग इलायची से छौंक दिया था घी, देसी घी से। तो ये अभी आपको फोटो थोड़ा ठंडा सीसी लग गई है, दिखाते हैं खीर हमारी कैसी हुई है। बस अब इसमें हमने इस तरह बना लिया है, अब इसमें डालेंगे हम चीनी और दूध। तो ये देखिए चीनी हम डाल दे रहे हैं स्वाद के अनुसार। 1 कटोरी चीनी हमने ली है और 1 कटोरी चीनी ली है, और इसमें किशमिश, काजू, गरी के टुकड़े और चिरौंजी ये सब मैंने ऐड करके पहले ही इस चावल के साथ पानी डाल के पका लिया था, जिसमें लौंग इलायची और घी से तड़का दिया हुआ है। तो बस अब इसमें दूध डालना है। दूध को इधर हमने बॉयल करके रखा हुआ है, इसमें बॉयल दूध ही डालेंगे और फिर से थोड़ी देर के लिए आंच पे रखेंगे। तो ये हमने लगभग 1.5 गिलास दूध डाल दिया है इसमें, और हमने 2 कप चावल की खीर बनाई है। तो इसको देखिए, ये खीर का कंसिस्टेंसी जो है ऐसी हो गई है। आप रेसिपी क्या बताना, क्योंकि खीर की रेसिपी तो ऑलरेडी सब यूट्यूब और अच्छे अच्छे सब चैनलों पे है, पर जो हम लोग के यहाँ बनता है वो मैं दिखा रही हूँ कि 8वां के दिन क्या क्या बनता है। तो ये देखिए, इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स आपको दिख रहे होंगे। तो इस तरह एक खीर बन गई है, और थोड़ा सा 5 मिनट के लिए इसे गैस ऑन करके और रख देते हैं, बस खीर रेडी हो जाएगी। देखिए इधर पूरी भी छान ले रहे हैं, बस थोड़ी छाननी है उनको। तो सब्जी का सब्जी उसकी कढ़ाई में बनाए ले रही हूँ, और कढ़ाई लोहे की है तो थोड़ी काली सी है। तो लोहे की कढ़ाई में बस बना के सब्जी का आधी दूसरे बर्तन में फिर कर देंगे बन जाए। तो अब उसको तेल में मेथी डाल दिया है, अब डाल देंगे नमक और सब हल्दी पाउडर, और ये है धनिया पाउडर, ये मिर्ची और थोड़ा सा खटाई पाउडर, खटाई की ज़्यादा अच्छी लगती है थोड़ा सा। अब इसको मिक्स कर लेंगे बस और चला के ढक देंगे। शीतला माता में देखिए हमने गुजिया, पूड़ी, पापड़, पापड़ सेके नहीं जाते, तले भी नहीं जाते, ऐसे रखे जाते हैं लड्डू, और इधर है कद्दू की सब्जी, मेथी से छौंकी हुई लहसुन प्याज का नहीं होता है, और इसमें ये गुलगुला और खीर और पूड़ी के ऊपर ही लगा दिया है, और ये इधर रंग और अबीर भी रखा है। तो बस आज के बाद से होलिका का समापन होता है, इसीलिए ये भी रखा जाता है। आज के बाद से ये हटा दिया जाएगा और ये शीतला माता को चढ़ाया जाएगा, और ये गुलगुले जो हैं बच्चों, जितने बच्चे होते हैं उनके ऊपर से उतार के फिर इनको डुग्गू लोगों को, डॉग लोगों को खिला दिया जाता है। तो ऐसा ही होता है हम लोग के यहाँ। तो ये देखिए इधर का पूरा
व्यू जो है। और ये उस कमरे में मिट्ठू, आयुष तो है नहीं, और चलती हूँ मैं ऊपर। ये आ गई हूँ तो ये देखिए सही निकला आइडिया। और ये बाथरूम में पानी खुला हुआ है, आपको बिट्टू का रूम दिखाती हूँ। बिट्टू को तो मेरे बहुत ही याद आती है, और आप देख सकते हैं बिट्टू का रूम खाली खाली सा है। और जब मैं पहले आती थी तो पहले मैं आती ही नहीं थी ज़्यादा, और आती थी पर तब बिट्टू यहाँ पर रहती थी तो ऐसा लगता था, और अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि बिट्टू यहाँ पर हैं, पढ़ा रही होंगी। और ये ना ये ब्लैंकेट जो है मैंने कल वॉश करके रख दिया है, क्योंकि अब तो गर्मी का सीज़न आ गया है। और बिट्टू का ये सारा सामान इधर हुआ है, और ये जो उन्होंने सारा करा हुआ था ऐसे, और ये उनका रूम जैसे कि है वैसा ही है। इसमें से कुछ मैंने कुछ किया नहीं है, मतलब वैसा ही वैसा है। और ये देखिए तो, और इधर मैंने बिट्टू के लिए एक अलमारी ली थी तो जो इस कलर की है, उनको वहाँ दी है वो अलग बात है, बट यहाँ भी एक ले दी इनके डैडी ने। और ये इनकी बुक्स की बुक्स वाली अलमारी है, वो उसमें बुक्स हैं, और ऊपर ये इसी तरह से हैं, कपड़े भी डाले हुए थे। तो अब मैं सोच रही हूँ कपड़े उतार ही लूँ जब ऊपर आई हूँ, तो ये कपड़े उतार लेती हूँ और ऐसे ऐसे करके बाल्टी में रख के चलते हैं फिर, क्योंकि अभी कोई है नहीं उतारना हमको ही है सब, ये उतार के रख लेते हैं। देखिए शाम हो रही है, सूरज इस साइड में आ गए हैं, पश्चिम साइड में। और इधर देखिए कुछ कपड़े सब नीचे गिर गए हैं, हवा तेज चलती है। और देखिए डाइनिंग टेबल का कवर आज मैंने धुला हुआ था, आजकल धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी सफाई होती जाती है। और इधर देखिए गेहूं धुल के डाले हैं, शादी के बाद पहली बार गेहूं धुले हैं, जब बिट्टू यहाँ पर नहीं है, अपने दिल्ली में हैं। और क्या पता बिट्टू यहाँ का घर मिस करती हैं कि उनको वहाँ अच्छा लगता है, बट अपने ससुराल में बेटियाँ खुश रहें यही सबसे बड़ी बात होती है माँ बाप के लिए, तो बस यही हमारी दुआ है और वो हमेशा खुश रहें। और देखिए पेड़ों में पानी डालने वाला हो गया है, पेड़ थोड़े से मुरझाए मुरझाए से दिख रहे हैं हमको। और अब न्यू कली से आ गई हूँ, पेड़ों में पानी ज़्यादा मतलब अभी परसों ही डाला था, पर एक दिन अभी जस्ट हम बच्चे वापस आए तो इनको पानी डलवाते हैं। और देखिए न्यू न्यू अमरूद में वो निकल आए हैं, और गुलदाउदी के पौधे थोड़ा सा ये हो गए हैं पुराने से, पुराने मतलब फ्लावर पुराने हो गए हैं, पौधे तो अभी नए ही हैं। हवा भी बहुत तेज है इस समय भी, और अब जस्ट यहाँ से नीचे चलेंगे तो चाय वाय बनाएंगे। और तो फ्रेंड्स अब चाय बना लेते हैं, ऊपर से कपड़े उपड़े लेके उतार के जो सूख गए थे वो ले आए हैं, और थोड़े भर के रख आए हैं, तो अब चाय बना लेते हैं। और ये देखिए इसमें हाँ चीनी थोड़ा सा ख़त्म हो गई है, तो चीनी हम बड़े डिब्बे रखे हुए हैं, तो उसमें बिट्टू की शादी के बाद चीनी तो बची हुई थी तो वो हमने रखी थी थोड़ी, चीनी तो काफ़ी बची थी तो वो रखी हुई है, तो वो निकाल लेते हैं। तो देखिए इस बड़े डिब्बे में है, तो इस बड़े डिब्बे से फिर इसमें जो है डाल लेते हैं, इसे चम्मच से ही भरेंगे तो गीली हो जाते, फिर हाथ कभी मैंने धुला तो ये सही नहीं रहेगा, तो हम भर लेते हैं।
चाय बन जाती है, फिर आपको मिलती हूँ। तो आइए फैमिली, हम लोग साथ में आज बहुत दिन के बाद चाय पीते हैं, और आप भी पीजिए हमारे साथ चाय। और अभी होली का सीज़न चल रहा है, तो ये चिप्स वगैरह भी हम लोग कभी चल आ रहे हैं। और ये चार बिस्किट में से ये हाँ दो मिठों के लिए हैं और दो मैं खाऊंगी, और इतनी चाय है। तो चलिए फिर, अब अकेले हूँ समय, तो बस इतनी चाय बनाई मैंने। तो आप भी आइए और आपके लिए भी चाय बनाती हूँ और चिप्स खिलाती हूँ। और अगर हमारा वीडियो या ब्लॉग पसंद आए तो ज़रूर से लाइक दे दीजिएगा एक, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो बाय बाय, टेक केयर फैमिली।